बच्चियों मेरे के लिए लिए नहीं, काम क्यों? क्यों? क्योंकि आपने वो फिर फेसबुक पे भी तो लगाएंगे कि जनाब मौलवी साहब, टीवी एंकर, होस्ट, रेडियो एफएम, और अपना रेडियो न्यूयॉर्क पे जो इकोनॉमी के बारे में गुफ्तगू करते हैं, उनको मैंने फ्री उनके लेबोरेटरी टेस्ट कराया। मैंने कहा उसके अंदर भी आप फ्री नहीं कर रहे, मेरे नाम पे आप मार्केटिंग करके और क्लाइंट हासिल कर रहे हैं। तो फिर इस किस्से को और थोड़ा मुख्तसर सा कर देते हैं, शायद लोग बोर हो रहे हो कि नदीम साहब अपनी कहानियां कर रहे हैं और मईशत के बारे में नहीं बोले। मैं मईशत की अक्कासी कर रहा हूँ, तस्वीर मंजर जिसे कहते हैं ना, मंजर कशी कर रहा हूं कि जनाब ये मेरा नदीम मौलवी के महंगाई के जो वाकियात और जो आंखों देखे हाल मेरे साथ, जो के भैया महंगाई इस तरह होती है। उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं ये तो नहीं कर सकता, आपको पता बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बहरहाल उनको जलेबी बिरयानी बांटने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि अपनी चीजें कम करके, ये सिर्फ लेबोरेटरी वालों का नहीं कहूंगा मैं, तमाम हजरात का, चाहे वो कपड़े वाले हो, जूते वाले हो, सब्जी वाले हो, गोश्त वाले हो, मुर्गी वाले हो, जिस जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, मुझे सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, जिसको देखो तरावियां पढ़ रहा है और हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, जुम्मे के दिन जाए तो जनाब मस्जिद में तो जगह नहीं मिल रही है, इतने नमाजी, इतने अच्छे मुसलमान। अरे भाई आप अगर इतने ही अच्छे मुसलमान बन चुके हैं या पहले से हैं, तो भैया माह रमजान का कुछ तो ख्याल करें। 11 महीने का जो आपकी जो रेट लिस्ट चल रही है, सिर्फ एक महीने के लिए क्या आप आटे में नमक के बराबर मुनाफा नहीं ले सकते? फिर हम बातें करते हैं हुकूमत महंगाई कर रही है। जनाब ना डॉक्टर हुकूमती था जिसके पास मैं गया था, ना लेबोरेटरी वाला हुकूमती था, मगर दोनों महंगाई की बातें कर रहे थे और हुकूमत के ऊपर बाकायदा तनकीद किए जा रहे थे। फिर आइए वही लोग जो कि साहिब हैसियत थे, गरीब फ्रूट वाले के ऊपर तनकीद करे जा रहे थे। अब मैं सोचता रहा, अमीर हो या गरीब, जालिम तो सभी बन चुके हैं, क्योंकि वो गरीब फ्रूट वाला भी नहीं सोच रहा कि अगर मैं कर दूं तो हो सकता है मुझसे ज्यादा कोई इंसान फल खा ले। मगर ना जनाब ना, हमने नहीं देखना। इसी तरह बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाइए, बड़ी बड़ी दावतें इफ्तार की चल रही हैं, प्लेटों में जो खाने रह जाते हैं वो फेंके जाते हैं। बहुत से आप देखें बेकरियों में 2 दिन 3 दिन बाद केक खराब हो जाता है, वो केक जो है ना वो फेंक दिया जाता है कचरा कुंडी में। मगर हमारे यहाँ किसी बेकरी ने ये नहीं कहा कि जनाब अगर आप 1 दिन पुराना केक लेंगे तो हम उसे 70% कम पैसों में देंगे। जनाब 1 दिन पुराना केक हो सकता है मैं खा लूं, क्योंकि केक तो 3 दिन बाद खराब होता है, मगर नहीं जनाब वो उसी कीमत में 3 दिन तक बेचते रहेंगे जिस कीमत पे वो पहले दिन बिक रहा था, मगर बाकी का केक वो फेंक देंगे। ये कहाँ क्या मैं सोचता हूँ लोग आते हैं, और ये कौन से मुसलमान हैं कि अनाज को फेंक रहे हैं? फिर बातें करते हैं हालात खराब हो गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है। भाई छोटी छोटी बातें अमल करना शुरू कर दो। भाई मैं नहीं कहता कि नुकसान करें, ठीक है अगर एक केक आप जो है फर्ज करें 1200 का दे रहे हैं पहले दिन, दूसरा दिन आप उसकी 700 रुपए कीमत लगा दें, तो यानी कि जो साहिब हैसियत नहीं होगा वो कहेगा चलो यार मैं दूसरे दिन 700 रुपए का केक खरीदू और तीसरे दिन उसी केक को 200 या 100 रुपए में बेच दें, क्योंकि चौथे दिन वो केक जो है जमीनों पे पड़ा होगा। तो भैया एक तो नुकसान नहीं होगा दुकानदारों से मैं अर्ज कर रहा हूं, दूसरा उन हर आदमी उस केक को खा सकेगा। ये तो मैंने केक की एक मिसाल दी है, बहुत सी ऐसी चीजें, गोश्त हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, मुर्गी हो गई, मछली हो गई, फेंकी जाती है या गंदी हालत में बेची जाती है। लेकिन हम एक दूसरे को मौते इल्जाम बस ठहरा रहे हैं, वो कर रहा है, बस खुद बस अपने आप को नहीं देख रहे हैं वो। बस और हमारी कौम का अलमिया यही है। बस यही है। देखिए हमारे यहाँ तो मैं आज बैठा पढ़ रहा था और एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था, तो मैंने कहा ये जापान जो है ये मुसलमान मुल्क भी नहीं है, मगर यहाँ पे मुझे एक वाकया उन्होंने बताया कि जब वहां पे जलजला आया था तो वहां दुकानदारों ने दुकानें खुली रखी थी और कहा था जिसको जो चीज की जरूरत है वो लेके जाए ना, वो दुकान लूटी गई थी ना उसमें भगदड़ मचे थे, लोग आते थे उस दुकान से अपनी जरूरत की, जो सिर्फ जरूरत की थी वो चीज उठाते थे बाकी छोड़ जाते थे। और यहाँ ये आलम है, कराची में आप देख लें, पंजाब में देख लें, लोग मर गए, आप ये देखिए आकल का फैक्ट्री में, वाकया।
पाकोली के जेर एहतमाम हैंडपंप प्रोजेक्ट पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहां पानी की शदीद किल्लत है अपने प्यारों के नाम से हैंडपंप सिर्फ $150 में लगवाएं। आपको पंप की तस्वीर वीडियो और एड्रेस मुहैया किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए बशीर कमर से 3476545685 या सलमान शेख से 5164584632 पे रब्ता करें।